आर्द्र कष्ट है, बहुत महान कष्ट। एक है मृत्यु कष्ट, मृत्यु के समय शरीर छोड़ते समय इतना कष्ट होता है जो जिसका कोई वर्णन संभव नहीं है। जब अल्प कष्ट होता है उस समय तो बहुत छलांग मारता है, चिल्लाता है, बहुत जम के चिल्लाता है, छलांग मारता है, शरीर का मूवमेंट ना पकड़ होता है। लेकिन जब अति कष्ट होता है ना मृत्यु के समय ना, कोई आवाज नहीं, शरीर मूवमेंट खत्म, मुंह फाड़ देता है, आंख फाड़ जाता है, नहीं रहेंगे। अति कष्ट से शरीर से प्राणवायु निष्क्रांत होता है, वो अवर्णनीय कष्ट। एक काटा बीतने से हमको कितना कष्ट होता है, एक काटा। और मान लो शरीर से हमारे जो तादात्मता चेतन सत्ता, ये प्राणवायु, प्राण अपन समान उदान बैन नाक कर्म की कर देवदत्त धनंजय, ये 10 वायु हमारे भीतर है, ये जब निकालता है शरीर से, जब एक एक रोम रोम से हमारे चेतन सत्ता, मने उसका अवर्णनीय कष्ट, इस कष्ट का कोई ठिकाना नहीं, कोई आज तक वर्णन करने में असमर्थ हुआ जो मृत्यु के समय कितना कष्ट होता है। एक चोट खाने से कितना कष्ट, हाथ टूट जाने से कितना कष्ट, कितना ये तो देख रहे हैं। लेकिन मानो उस समय भी प्राण छूटता नहीं है, तो प्राण छूटते समय कितना कष्ट होता है। ये भय से ग्रस्त है सब, मृत्यु भय से। एक आवाज होने से चमक उठता है, क्या क्यों चमकने का क्या है, उसका भीतर जो आत्मा है ना अनादि काल, ये जन्म मृत्यु चक्र जो कष्ट है ना, ये सहन करके करके वो आत्मा इतना भयभीत रहता है। तो जब ही कोई मृत्यु भय ना झट करके आके आत्मा को हिला देता है, मृत्यु तो नहीं आया, हम बोल नहीं पाते हैं, लेकिन एक मन में यहां आवाज हुआ, ऐसा क्यों हुआ, आत्मा अनादिकाल से जन्म मृत्यु चक्कर ये कष्ट तीर्थाप दुख इससे इतना ग्रस्त है, ठिकाना नहीं। लेकिन माया से ग्रस्त होने का कारण, माया से मोहित होकर संसार चक्र में घूमने का कारण हमको याद नहीं। अगर थोड़ा सा भी याद होता ना तो संसार फीका पड़ जाता, भाई कहां फंसे हैं, ये बंधन से मुक्त होने के लिए हमको क्या करना चाहिए। मृत्यु और एक कष्ट है, क्या जन्म कष्ट, मातृ जठर में छोटा सा भ्रूण, वहां कोई जगह नहीं है, स्थान नहीं है, शरीर के बल पर खींचा हुआ रहता है। और उस जरायु का जो स्वभाव है दबाने का, संकुचित होने का, तेरा चिंता करो, नतमस्तक माथा नीचे टांग ऊपर, और वो भी 90 डिग्री एंगल नहीं, 45 डिग्री एंगल, ऐसा टेढ़ा सा, थोड़ा सा टेढ़ा सा गर्दन और घोटू ऐसा करके रहता है, ऊपर से पिंड जैसे, एक अंडा जैसे, स्थान तो है नहीं, शरीर के बल पर वो सिर्फ उतना सा ही उसको मिलता है जितना शरीर उसका है, माने और उसका टेंडेंसी रहता है दबाने का। और वहां तो हड्डी क्या है, मांस पिंड है, एक मांस पिंड है, ताकत भी नहीं है जो इसको थोड़ा हम सीधा होके थोड़ा सा सीधा हो जाए, ताकत भी है नहीं, एक नरम मांस पिंड है। चिंता करो, वो पिंड 6 महीने में तुम्हारे चेतन आता है, 5 महीना थोड़ा थोड़ा झटका लगता है, फिर 6 महीने में चेतन होता है। और जब चेतन आता है वो तो मांस पिंड है, कुछ करने का है नहीं, वहां ऐसे पेशन, एक नंबर पेशन, दो नंबर है वहां इतना गर्म, हम लोग थोड़ा पंखा नहीं रहने से कितना कष्ट होता है ना, और वहां जानते हो कितना टेम्परेचर है, वो गर्म, 1 सेकंड तुम चिंता नहीं कर पाओगे, वो गर्म के अंदर तुमको रहना पड़ेगा। अब गर्म उसके अंदर क्लेद है, क्लेद तुमको इतना चिपका हुआ रहता है जो उसी में एकदम तप्त पिंजर में
और क्लेदक तो माने जैसे कीचड़ लगा हुआ है सारा शरीर में और स्लीपरी है, बहुत स्लीपरी है। गर्दन को और पाम को ऐसे माथा और पाम एक होकर के शरीर के बल पर जितना बढ़ता है उतना ही उसको जगह मिलता है, जगह वहां है नहीं। एक एक पल एक एक जुग से भी ज्यादा कष्ट होता है उसको, पलक पलक में झटका मरता है, झटका मरकर अचेत हो जाता है, अचेत होकर पड़ा रहता है, फिर जाके जब चेतन आता है फिर वही पीड़ा, गर्भवास महान दुख त्राही मांग मधुसूदन, गर्भ इतना दुखदायी है, इस तरह से वहां पर पड़ा रहता है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई दिखने वाला नहीं। अगर मातृ जठर का एक झलक किसी को दिख जाए ना, वो समस्त सुख फीका पड़ जाएगा, जिस शरीर रहते रहते भाई ये क्लेश से कैसे मुक्त हो जाए, एक तो मुक्त होने का क्या उपाय है, कोई चिंता ही करता नहीं है, भाई नहीं है, माया ने भुला दिया, माया ने उसको याद करने देता ही नहीं है, जिसको याद है वो जानता है। अकबर पलक के लिए तुम्हारे भीतर वो स्मृति आ जाए ना, इतना घबरा जाओगे तुम जो तुम्हारे चारों ओर दिशा सब फीका पड़ जाएगा, एक सेकंड के एक झलक अगर तुमको स्मृति में आ जाए मातृ जठर का जो क्लेश है। ऐसा कहते न भूत न भविष्यति, न आगे कभी ऐसा कष्ट हुआ है न भविष्य में कभी हो सकता है, इतना कष्ट आत्मा तो देखो, आत्मा तो जीवात्मा रूप में सीमन सेल रूप में तो आत्मा तो है, वो जो सेल है शुक्राणु वो तो आत्मा तो है, लेकिन आत्मा जब शरीर प्राप्त होता है मातृ जठर में, माँ के जो माँ जो खाते हैं पीते हैं उसके एक रस जा करके नाभि मूल से वहां से एक नाली रहता है, वो बच्चा का नाभि के साथ वो संयुक्त रहता है, वो रस जा करके उसका शरीर में जाकर के उतना ही रस जाता है जितना उस शरीर में लग जाता है और उससे उसका शरीर बनता है। माँ जब मिर्च मसाला खाता है खट्टा खाता है तो वो बच्चा का वो रस भीतर जाके वो नरम शरीर है ना वो भयानक पीड़ा होती है, भयानक पीड़ा। मिर्च खाता है ना वो तो शरीर नरम मांस पिंड है ना, और मिर्च जा करके वही रस जाएगा, मिर्च खाया है तो मीठा तो नहीं जाएगा, मिर्च का रस ही जाएगा, जो खाएगा वही रस जाएगा, वो जाके उसके शरीर में भयंकर जलन पैदा करता है, घूम जाता है वो जड़ायु के अंदर, कभी कभी चेष्टा करता है इधर उधर थोड़ा सीधा होने के, लेकिन उतना क्लेदक तो रहने के कारण घूम जाता है, घूमता रहता है कभी इधर कभी उधर, झटका मारता है, झटका मार के अचेत हो जाता है। इस तरह से 6 महीना 7 महीना 8 महीना 9 महीना 10 महीना ये 5 मास चेतन उसका मन चेतन आता है शरीर में, 6 महीने में चेतन आ जाता है, 6 महीने में चेतन आ जाता है। नाड़ी तो नाड़ी का सक्रिय हो जाता है उस समय, 6 महीने से सक्रिय हो जाता है इरा पिंगला सुषुम्न मां, इसलिए कहते हैं गर्भवास मां दुखन, मृत्यु यंत्रणा से भी भयंकर है, पलक पलक पे मृत्यु यंत्रणा, पलक पलक पे मृत्यु, मृत्यु से उससे भी कम है मातृ जठर में इतना कष्ट है। जब गर्भ से निकालता है भुला देता है माया, भूल जाता है, अरे अरे ये रंग तमाशा देख करके वो कष्ट भूल जाता है, फिर माया में लिप्तता, माया में लिप्त होकर के संसार चक्र में फिर फंस करके फिर वही 84 लाख जन का चक्कर। लेकिन बीबी की जन जो है वो ये चिंता करता है, अकुतो भयम, ये जो भय, ये भय से मुक्त होने के लिए हमको क्या करना चाहिए, एक तीर्थाप आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक और एक है मृत्यु यंत्रणा एक जठर यंत्रणा, ये बड़ा खतरनाक है ना।
क्या कौन सुख, क्या सुख पाने के लिए हम अभी भी निश्चिंत होकर दिन व्यतीत कर रहे हैं। थोड़ा सा चिंतन करने से ना, अगर तुम्हारा थोड़ा सा भी उस विषय थोड़ा सा अनुभव भी होगा ना, तो जागतिक कोई वस्तु पदार्थ तुमको अच्छा लग नहीं सकता है।